गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज तारीख है 25 अक्टूबर और सुबह के बज रहे हैं 11। तो सुबह 5-6 बजे से मतलब हम लोग दिल्ली का देख रहे हैं, कोई ड्रॉप मिल जाए, कोई बुकिंग मिल जाए। तो अभी तक मतलब कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा हल्द्वानी से दिल्ली के लिए, तो लगे हुए हैं। देखो हो सकता है अभी पीछे से एक गाड़ी आ रही है और अगर वो सवारी रेडी हो जाती है तो फिर हम निकलेंगे यहाँ से सवारी लेकर के दिल्ली। अदरवाइज़ फिर दिल्ली तो जाना ही है किसी भी हालत में, फिर हो सकता है कि हमें खाली गाड़ी लेके दिल्ली जाना पड़े। जैसा भी होगा आपको इस ब्लॉग के माध्यम से पता चल जाएगा, तो आप ब्लॉग में बने रहें। ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा ज़्यादा करें अपने दोस्तों अपने फैमिलियों के साथ, स्क्रिप बिल्कुल ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्या चीज़ की कमी है, क्या आपको गलत लग रहा है, कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मेरे को मोटिवेट मिलता है। और अगर आप कुछ अच्छी जानकारी दे सकते हैं कि ब्लॉग में कुछ कमी है तो उसको कैसे मैं सुधारूं, कैसे नए तरीके से उसको और अच्छा अच्छी क्वालिटी ला सकूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है गाइस, और दिल्ली NCR से जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी दिल्ली NCR से हमारा जो है पिक एंड ड्रॉप का काम दिल्ली से NCR से हल्द्वानी नैनीताल रानीखेत इस तरफ के नाम हमारे सर्विस टैक्सी सर्विस चल रही है। और हल्द्वानी के लिए तो नॉन स्टॉप गाड़ियां हैं, आपको 24 आवर्स कभी भी गाड़ी मिल जाएगी, कभी भी आप कॉल करें बुकिंग करें जेन्युइन रेट पे आपके बजट के रेट पे आपको मिल जाएगी, शेयरिंग भी मिल जाएगी अगर शेयरिंग पे अगर आप आना है। जैसा कि आपको पता है कि अभी दिवाली चल रही है, दिवाली में आप बहुत से लोग पहाड़ अपने घर आते हैं जो दिल्ली में जॉब करते हैं, आप लोगों को अगर शेयरिंग में कैब चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो वेट करते हैं, जो पीछे से गाड़ी आ रही है वो गाड़ी आ जाती है तो सवारी से बात करते हैं, अगर वो रेडी होती है तो फिर हम बुकिंग लेकर के हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। अदरवाइज़ फिर हो सकता है कि हमें मतलब यहीं पे ही यहाँ से मतलब हमें खाली जाना पड़े। ठीक है, तो बस यही है, आप लोग बने रहें, मिलता हूँ आपसे मैं थोड़ी देर बाद। सामने के पहाड़ देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त व्यू यहाँ से हल्द्वानी से देखने मिलता है। देखिए ये चेक करें, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और अभी मैं हूँ काठगोदाम रोड पे, हल्द्वानी से ऊपर हूँ काठगोदाम, ये जहाँ पे मैंने गाड़ी लगा रखी है, टैक्सी स्टैंड जो यूनियन है यहाँ की उनकी पार्किंग है तो वहाँ पे लगा रखी है। और व्यू देखिए सामने को कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो गाइस हल्द्वानी से मैं निकल गया था 11 बजे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक जगह बात हो रही है और शायद दिल्ली का ड्रॉप मेरे को मिल जाएगा, तो मेरे को दिल्ली का ड्रॉप मिल गया था। और वहाँ से मैं चलता रहा, बीच में रुका था खाने के लिए, लंच वगैरह करा, वीडियो कहीं भी शूट नहीं करा क्योंकि डेली एक ही चीज़ क्या दिखानी है, तो इसलिए वहाँ से मैं निकल गया था। और निकलने के बाद अभी मैं पहुंचा हूं बसंत कुंज, टाइम हो रहा है 7:30, शाम के बज चुके हैं रात के। तो अब यहां से मैं निकल रहा हूं कमरे में जाने मतलब जा रहा हूं, कमरे में नाइट स्टे करूंगा, रात को कमरे में ही रुकूंगा और उसके बाद फिर देखते हैं कल का क्या प्रोग्राम है। हो सकता है कि कल सुबह मेरे को 2:30 बजे निकलना पड़े फिर से हल्द्वानी के लिए दिल्ली से, तो जैसा भी होगा आपको पता चल ही जाएगा, है ना। तो अभी मैं बसंत कुंज में ही हूँ, तो बसंत कुंज से सीधे निकलता हूँ अपनी मंजिल की ओर, जहाँ पे मैं रात को रुकूँगा, जहाँ पे रूम है रूम पे जाऊँगा और रेस्ट करूँगा। घर भी नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि सुबह 2-3 बजे का पिकअप है, फिर घर जाओ फिर घर वाले भी परेशान होते हैं। इससे अच्छा ये है कि 7:30 हो ही गए हैं और कमरे में पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक से इतना बुरा हाल हो गया कि क्या ही बताऊँगा ना मैं। तो अब यही डिसीजन लिया कि मैंने कि जाके मतलब दोस्त के साथ कमरे में उसके रूम में रुक जाता हूँ और फिर जो है वहाँ से सुबह जो है अपना 2-3 बजे जो भी पिकअप टाइम है जहाँ से पिकअप होगा वहाँ के लिए निकल जाऊँगा। ठीक है गाइस, तो आज का ब्लॉग कुछ खास बना नहीं पाया क्योंकि कुछ था भी नहीं बनाने के लिए, बस यही है। तो अभी फटाफट पहुँचते हैं कमरे में, बसंत कुंज से कोई बाहर निकलते हैं। मैं जस्ट अभी एम्बियंस मॉल के बैक साइड पे राइडर्स मैम को ड्रॉप कर दिया है और फटाफट निकलता हूँ घर के लिए। कर रहा हूँ
26 अक्टूबर सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मैं अभी रजौरी गार्डन से निकल चुका हूँ पिकअप पॉइंट के लिए। मोतीबाग से मेरा पहला पिकअप है, उसके बाद फिर इंदिरापुरम, फिर नोएडा से। तो मैं निकल चुका हूँ घर से, मतलब दोस्त के रूम में से, और फटाफट पहुँचते हैं, पिकअप करते हैं। और अभी भी हल्का फुल्का ट्रैफिक अभी भी यहाँ पे चल रहा है। तो गाइस सुबह के बजे 7:30 और मैं पहुंच चुका हूँ गढ़गंगा। और अभी हम रुके हुए हैं शिवा ढाबा पे खाने खाने के लिए। तो खाना वगैरह फटाफट खा लेते हैं और नाश्ता कर लेते हैं। खाना क्या खाना, मतलब नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से सीधे हल्द्वानी के लिए नॉन स्टॉप। तो आप लोग बने रहें, टैक्सी की रिक्वायरमेंट हो संपर्क करें हमसे। अभी हम जोया पहुँचे नहीं है, जोया से हम 10-1 किलोमीटर पीछे हैं। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कोहरा लगना चालू हो चुका है। ये इस सीज़न का, इस साल का पहला ठंड का कोहरा स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धुंध यहाँ पे देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, सामने गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। आप देख सकते हैं 100 मीटर पे गाड़ियाँ नज़र आना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अगर आप लोग भी हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें, चारों इंडिकेटर ऑन करके चलें, हेडलाइट ऑन करके चलें, ताकि आगे वाले को पीछे वाले को समझ में आ सके कि आगे गाड़ियाँ कोई चल रही हैं। और अगर आप किसी गाड़ी के पीछे हैं तो आगे आपकी कोई गाड़ी खड़ी है या चल रही है तो उससे गैप बना के रखें, क्योंकि कभी भी हो सकता है कि एमरजेंसी में कोई ड्राइवर आगे वाली गाड़ी जो है वो ब्रेक ले तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी लग सकती है। तो इसलिए कम से कम 100 मीटर का गैप बना के चलें और चारों इंडिकेटर ऑन करके चलें, और साइड चेंज करने, ओवरटेक करने से पहले पीछे देख लें कि कोई गाड़ी ना आ रही हो। वो काफ़ी ज़्यादा कोहरा है इस टाइम पे, आप देख ही रहे हैं। कस्टमर को उनके ड्रॉपिंग पॉइंट पे, जहाँ भी उनका ड्रॉप था वहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। और अभी टाइम हो रहा है, टाइम आपका हो गया है 12 बज चुके हैं, 11:55 हो रहे हैं, तो ऑलमोस्टली 12 बज चुके हैं। तो अभी मैं रानीबाग से नीचे उतर रहा हूँ, क्योंकि रानी एक सवारी जो थी वो रानीबाग उतारनी थी, तो उनको भी रानीबाग में ड्रॉप कर दिया है। एक्चुअली जो ये ट्रिप था, ये ट्रिप जो था, जो गाड़ी के ओनर्स हैं उन्हीं के ही फैमिली मेंबर्स थे, तो उनको ड्रॉप करने के लिए आया हुआ था। तो अभी ड्रॉप वगैरह मैंने कर दिया है, तो अभी मैं पहुँचा हूँ काठगोदाम। और देखते हैं, अगर कुछ ड्रॉप मिल जाता है दिल्ली का तो देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है, तो फिर सवारी लेके जाएंगे। अदरवाइज फिर खाली ही मेरे को लग रहा है दिल्ली की तरफ, घर की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम पे हल्द्वानी से दिल्ली गाज़ियाबाद जाने वाले कम हैं और दिल्ली से आने वाले जाते हैं इस टाइम पे। तो देखते हैं जैसा भी प्रोग्राम होता है फिर आपको ये बताते हैं। और अभी यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो हो रखा है, और ये काठगोदाम के रेलवे स्टेशन पहले जो ब्रिज पड़ता है उस ब्रिज में भी हम हैं। ब्रिज में चलने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आवाज़ करता है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन चल रही है। तो यहाँ पे अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, देखिए तो इस तरह से यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो रखा था। आवाज़ आपको आ रही होगी, बस यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कुछ सवारी मिलती है तो टैक्सी स्टैंड पर देख लेते हैं, बस स्टैंड पर देख लेते हैं, जहाँ पे भी कहीं पर सवारी मिल जाएगी वहाँ पे फिर हम आगे को लेके चले आएंगे, है ना। तब तक आप
ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और कमेंट करिए कि ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, क्या आपको पिक एंड ड्रॉप जो मैं दिखा रहा हूँ क्या इसमें आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, या फिर किसी टूरिस्ट प्लेसेस पे जाना चाहिए टूर लेकर के, है ना, कोई टूर लेके जाना चाहिए, लॉन्ग टूर पे जाना चाहिए, या फिर पिक एंड ड्रॉप में ही आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। रामपुर क्रॉस किया, रामपुर और मुरादाबाद के बीच में जो टोल है वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। तो आप देख रहे हैं गाड़ी पूरी खाली है, ये चेक करें, है ना, पूरी गाड़ी खाली है, तो सवारी कहीं मिली नहीं, वापसी खाली जाना पड़ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान आज के दिन में हो चुका है, क्योंकि जो CNG हमने खर्च करी है आने जाने में, टोल खर्च किया है, ड्राइवर अलाउंस हो गया, उसके बाद टैक्सेस हो गए, स्टेट टैक्सेस, तो ये मान के चलिए 10% भी हल्द्वानी से दिल्ली सुबह 3 बजे के उठे हुए चले हुए, कुछ भी पैसा दिल्ली से हल्द्वानी आज के दिन नहीं कमाया। आगे बस भी जा रही है रोडवेज की नवरोली को, बताओ उसमें सवारी पैक होगी या खाली होगी, अभी खाली है, उसमें इक्का दुक्का सवारी बैठी है बस हो गया, हल्द्वानी में सवारी ढूंढी नहीं मिली। उसके बाद रुद्रपुर आया, रुद्रपुर में जहाँ से हम सवारियाँ लेते हैं नाम नहीं बताऊँगा, वहाँ भी 6-7 गाड़ियाँ ऑलरेडी खड़ी हैं, हल्द्वानी तो खड़ी थी वहाँ भी खड़ी हैं, वहाँ पे इससे हम काम लेते हैं, ड्यूटी लेते हैं, मतलब सवारी लेते हैं। अगला बंदा कह रहा है कि शाम को 4-5 बजे तक रुकूँ, देखते हैं कुछ, 4-5 बजे तक रुकूँगा मतलब ये है कि 4-5 बजे तक रुक के बैठ चला जाना, फिर सवारी नहीं मिल रही और रात को 8-10 बज गए, 11-12 बज गए, पूरा दिन वेस्ट। उसके बाद रामपुर आया, रामपुर में सवारी ही नहीं, तो ये हाल है। अभी निकल रहा हूँ सीधे घर के लिए, ठीक है, पापड़ घर पहुँचते हैं, नींद से भी आ रही है, रात को भी 12:30 बजे सोया था, सुबह 2:30 बजे उठ गया था, तो आँखों में नींद बहुत बुरी तरह बनी हुई है, इसलिए पापड़ अभी पहुँचते हैं गढ़गंगा क्रॉस करने के बाद, या उससे पहले देखेंगे, रुकेंगे कहीं पे, हल्का फुल्का नाश्ता कर लेंगे, खाने का टाइम अभी है नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो अभी सीधे फटाफट पहुँचता हूँ दिल्ली, दिल्ली क्या मतलब सीधे घर जाऊँगा, दिल्ली भी जाऊँगा, घर निकल जाऊँगा और रेस्ट करूँगा, ठीक है। तो ब्लॉग में अब क्या बनाऊँ क्या करूँगा वो समझ नहीं आ रहा, और आपको दिखा दिया कि मैं खाली जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप ब्लॉग को ज़्यादा कुछ लंबा ना करते हुए आपको ये चीज़ें बताता रहा हूँ फ़ायदा के, तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ, एक नए सुबह के साथ, ठीक है। तो तब तक आप ब्लॉग को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और दिल्ली से हल्द्वानी जाना है तो उसके लिए आप मुझे बताइए, आपको टैक्सी मिल जाएगी चीप स्टेट में, और फिर 1-2-3-4 जब भी आपको हल्द्वानी से दिल्ली आना है तो उसके लिए भी आप बताना, सर्विस मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, बाय बाय।